नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को हम एक एक नियम के आधार पर बनाएंगे। चाहे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को डायरेक्ट गुणा करके ही बना सकते हैं, लेकिन गणित में बेसिक तरीका को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा, इसी के साथ मैं आपको एक प्रश्न और बताने वाला हूं जो थोड़ा सा इनसे कठिन लग सकता है, लेकिन वो बहुत ही सरल सा विधि से हम उसको बना पाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को पहले बनाते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है 10 किलो आम का जो मूल्य है वो 700 रुपए है। तो भाई आपको 880 ग्राम आम का मूल्य बताना है, जबकि हमें यहां पर 1 किलोग्राम आम का रेट पहले निकालना होगा। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर चाहे तो आप मात्रा को पहले लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर मात्रा को लिख दीजिएगा और यहां पर आप दाम को लिख दीजिएगा। ऐसा करके हम क्या करेंगे, जैसे हमें पहला दिया हुआ मात्रा में क्या दिया गया है, जैसे 10 किलोग्राम दिया हुआ है, 10 किलोग्राम आम, ठीक है, यहां पर 10 किलोग्राम आम का जो मूल्य है, यहां पर दाम लिखे मतलब मूल्य है, वो कितना है, वो 700 रुपए है, ठीक है। लेकिन भाई यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 किलो का निकालना है। तो निश्चित रूप से अगर हम 1 किलो का निकालेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, अगर इसको हम 10 से भाग दे दें, देखिए 10 से भाग देंगे तो इधर भी हमें 10 से भाग देना पड़ेगा। तो 10 से भाग देंगे तो ये 1 किलो का मूल्य निकल जाएगा। देखिए, 1 किलो आम का मूल्य कितना निकल जाएगा, यहां पर इसको आप भाग देंगे, है ना, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 70। मतलब 1 किलो आम का जो मूल्य है वो 70 रुपए है, ठीक है। अब भाई यहां पर हमें तो निकालना है 880 ग्राम का, इसका मतलब ये है यहां पर हमें 100 ग्राम का निकालना पड़ेगा। तो भाई हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो भाई इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम जो आम का मूल्य है वो कितना हो जाएगा, फिर यहां पर 70 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब इस 1000 ग्राम से आपको क्या करना है, 100 ग्राम का निकालना है, क्योंकि प्रश्न में हमें क्या करना पड़ेगा, 800 ग्राम का निकालना है। तो इसमें 100 ग्राम करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, 10 से भाग देंगे ना, तो देखिए ये शून्य कट जाएगा, तो इसको भी हमें 10 से भाग देना पड़ेगा, शून्य शून्य कट जाएगा। तो यहां पर कितना आया, देखिए बहुत सरल तरीके से इस प्रश्न को बना सकते हैं। अब हमें मिल चुका है 100 ग्राम। देखिए, 100 ग्राम आम का जो मूल्य है वो कितना आ रहा है, केवल 7 रुपए आ रहा है। भाई यहां से हमें 100 ग्राम का तो मिल गया, अभी 100 ग्राम का यदि हमें मिल गया है तो यहां से हम क्या करेंगे, 800 ग्राम का निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 80 ग्राम का और निकालना है। मतलब इसी को यदि हम क्या करें, अगर हम 100 ग्राम को, देखिए 100 ग्राम आम का मूल्य है, इसको यदि हम फिर से 10 से भाग दे दें तो ये जो है किसका निकल जाएगा, 10 ग्राम का निकल जाएगा। तो हमें 7 को भाग देना पड़ेगा 10 से, ठीक है। तो यहां पर ये तो 0-0 कट जाएगा। इसका मतलब ये है, जब हम 10 ग्राम आम का मूल्य निकालते हैं, 10 ग्राम आम का मूल्य निकालते हैं, तो इसको जब हम हल करेंगे कितना आएगा, 0.7 आएगा। मतलब ये कहा जाए कि ये 70 पैसा आ रहा है, 0.70 मतलब 70 पैसा आ रहा है। तो भाई यहां से देखिए, हमें दो चीजें मिल गया है, एक तो हमें 100 ग्राम का मिल चुका है और दूसरा मिल गया है हमें 10 ग्राम का। अब ये 100 ग्राम से हम क्या कर लेंगे, 800 ग्राम का निकाल लेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और आपको बता दें, देखिए हमें 880 ग्राम का निकालना है। तो भाई 880 ग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी समझ आएगा। जब हमें पता है कि 100 ग्राम का, देखिए 100 ग्राम का मूल्य हमें पता है कितना दिया हुआ है, 7 रुपए, ठीक है, 100 ग्राम का 7 रुपए दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना है 800 ग्राम का, तो इसको हम 8 से गुना करेंगे। तो भाई इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको जैसे ही आप गुना करेंगे तो ये कितने ग्राम का निकल गया, देखिए 800 ग्राम का निकल गया, 800 ग्राम का मूल्य निकल रहा है, इसको गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, 8×7=56 रुपए। ध्यान दीजिएगा, 800 ग्राम आम का जो मूल्य है वो 56 रुपए है, लेकिन हमें क्या करना है, यहां से 10 ग्राम का तो निकला हुआ है, हमें पता है कि 10 ग्राम का मूल्य कितना रुपए है, यहां पर है 0.7 रुपए, मतलब 70 पैसे है। तो इसको अगर हम 80 ग्राम का निकालना चाहें तो 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 80 ग्राम। तो इसका मतलब इससे हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 8 से ही गुना करना पड़ेगा। तो भाई 80 ग्राम का, यहां पर देखते रहिएगा, 80 ग्राम का जो मूल्य है, 80 ग्राम आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 8×7, देखिए आपको ध्यान ये देना है, ये 8×7=56 हो रहा है, लेकिन दशमलव लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम पूरा इसको हल ही कर देते हैं, यहां पर शून्य हो जाएगा, फिर 8×7=56 हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। अब दो अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 और 2, तो यहां पर 1 और 2, मतलब यहां पर हमने दो अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया, यहां पर देखिए केवल 80 ग्राम का निकाला, यहां पर हमने केवल 80 ग्राम का कितना रहा है, 5 रुपए और 60 पैसे। अब हमें दो चीजें पता चल गया है, यहां पर देखिए 800 ग्राम का हमारे पास कितना रुपया आया था, 56 रुपए, और 80 ग्राम का कितना आ रहा है, 5 रुपए 60 पैसे।
तो भाई यहां पर हम लिख रहे हैं अगर 880 ग्राम का हमें मूल्य निकालना हो तो इसका कितना आएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास पहला कितना था 56 रुपए था, ठीक है, और दूसरा था 5 रुपए 60 पैसे, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर तो 0 ही आएगा, यहां पर 6 ही आएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 का 1 आ जाएगा, यहां पर दशमलव लगा देंगे हासिल 1 चला जाएगा तो ये आ जाएगा। तो निश्चित रूप से 880 ग्राम आम का जो मूल्य है वो कितना आ रहा है 61 रुपए 60 पैसे आ रहा है, और निश्चित रूप से आप लोगों ने भी इतना ही उत्तर निकाला होगा। चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं जो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये कठिन है, लेकिन याद रखिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। याद रखिए इसको हमने बेसिक रूप से बताया है, इसको यदि आप शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 1 किलो का जो मूल्य निकलता है ना, उसको यदि आप इनसे गुना कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन गुना कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं क्या करूं इसको मुझे किलोग्राम में लिखना है तो मैं क्या करूंगा 0.880 लिखूंगा और इसको मैं गुना कर दूंगा 1 किलो का जो मूल्य है। तो 1 किलो का मूल्य हमने कितना निकाला था, 1 किलो का मूल्य हमने निकाला था 70 रुपए, देखिए। तो अगर इसको हम गुना कर देंगे तो हमारा उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने इसको एक एक नियम से बनाया है और यहां पर हम डायरेक्ट हल करके देखेंगे तब भी उत्तर इतना ही आएगा, करके देखते हैं। यहां पर आ जाएगा देखिए, अब शून्य को तो हम शून्य लगा ही देते हैं, अब इसको गुना करते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 0 0 हो जाएगा, फिर 7 8 56 का 6 करेंगे हासिल 5, फिर 7 8 56 और 56 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर 61 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर दशमलव लगाना पड़ेगा कितने अंकों के बाद, 1, 2 और 3 अंकों के बाद, है ना। तो 1, 2 और 3 यहां पर देखिए, यहां पर हम दशमलव लगाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर कितना आ रहा है 61, है ना, 61 रुपए और 60 पैसे ही आ रहा है, जो कि बिल्कुल सरल है, ठीक है। अब चलिए इसी मेथड के आधार पर एक प्रश्न मैं आपको और बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहां पर हमने लिखा है 15 किलो शक्कर का जो मूल्य है 750 ग्राम है, तो 3.300 ग्राम मतलब 3.300 किलोग्राम लिखा है, ठीक है। अर्थात ये कहा जाए 3 किलो और 300 ग्राम का, क्योंकि दशमलव के बाद केजी लिखा है, मतलब ये ग्राम में होगा और ये किलोग्राम में होगा, तो इसका मूल्य कितना होगा। तो निश्चित रूप से इसमें भी हम क्या लिखेंगे, इधर अगर हम मात्रा को लिख देते हैं, ठीक है, तो इधर हम क्या लिख देंगे, मूल्य को लिख देंगे या उसका दाम को लिख देंगे। तो भाई यहां पर जब हमें 15 केजी का मूल्य दिया हुआ है, 15 केजी है ना, 15 केजी अब शक्कर का मूल्य दिया हुआ है, कितना रुपए दिया हुआ है 750 रुपए, ठीक है। तो भाई यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 किलो का निकालना है, तो 1 किलो का निकालने के लिए इसे हमें 15 से भाग देना पड़ेगा, तो इधर से भी हमें 15 से भाग देंगे तो ये तो 15 और 15 कट जाएगा, मतलब यहां पर 1 केजी का निकल जाएगा। 1 केजी शक्कर का जो मूल्य है वो कितना निकलेगा, इसको हम कटा देंगे तो 15 5 75, ठीक है, यहां पर कितना आ रहा है 0, ठीक है, 15 5 75 और 0, तो यहां पर कितना रुपए आ रहा है, 50 रुपए आ रहा है 1 किलो का। और हमको पता है कि 1 किलो मतलब 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम शक्कर का मूल्य कितना रुपए दे रहा है, 50 रुपए हो रहा है, और हमें तो यहां पर 300 ग्राम का और निकालना है, तो 300 ग्राम का निकालने के लिए इसको हमें केवल क्या करना पड़ेगा, केवल इसको हम क्या कर दें, अगर 10 से भाग दे दे तो इसको भी हमें 10 से भाग देना पड़ेगा, तो 10 से इसको भाग देंगे तो यहां पर तो केवल कितना आ रहा है, 5 रुपए आ रहा है, तो ये किसका मूल्य हो गया, ये हो गया 100 ग्राम का, ठीक है, 100 ग्राम का मूल्य कितना है, 5 रुपए। तो दो यहां पर जो उत्तर है वो दो प्रकार से हम निकालेंगे, एक तो किलोग्राम का निकालेंगे और दूसरा ग्राम का निकालेंगे। तो देखो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 50 रुपए है, तो यहां पर 3.300 है ना किलोग्राम, मतलब एक ग्राम है, तो 3 किलो। अब देखिए हमको पता है कि 1 किलोग्राम का मूल्य जब 50 रुपए है भाई, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए मैं ऊपर ले जाता हूं, 1 किलोग्राम का 50 रुपए है, तो इसको यदि हम 3 से गुना कर दें, है ना, 1 केजी को हम 3 से गुना कर देंगे तो ये 3 केजी हो जाएगा। अब 3 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 50 को आपको 3 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 150 रुपए, ठीक है। लेकिन भाई यहां से हमें पता है कि 100 ग्राम का मूल्य कितना दिया हुआ है, 5 रुपए, तो भाई इसको हम किससे गुना करेंगे, तो 300 ग्राम होगा, हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300 ग्राम। अब 300 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसको भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा। तो भाई टोटल कितना आ गया, 3.300 केजी यहां पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, तो दशमलव के बाद केजी लिखा है, मतलब तो ग्राम में ही हो गया। अब इसका उत्तर कितना आएगा, तो 150 में आपको 15 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 165 रुपए होगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। इसको भी आप शॉर्टकट मेथड से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका जो मूल्य होता है ना, जैसे मूल्य होता है ये कितना है 3.300, इसको डायरेक्ट अगर आप 1 किलो के मूल्य से गुना कर दे, और 1 किलो का मूल्य कितना था,
₹50। इसको यदि हम गुणा करेंगे तो भी डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, लेकिन यहां पर हमने इसको एक एक नियम से बनाने का प्रयास किया था। इसको यदि हम हल करें तो सबसे पहले तो एक जीरो लगा देंगे, उसके बाद देखिए यहां पर पांच है तो गुणा करेंगे शून्य से, तो यहां पर जीरो आएगा, यहां पर भी कितना आ जाएगा जीरो आएगा। फिर देखिए पांच या पंद्रह का यहां पर पांच आ जाएगा, ठीक है, पांच या पंद्रह का पांच आएगा और हासिल एक जाएगा। फिर यहां पर देखिए पांच या फिर पंद्रह और यहां पर एक है तो सोलह हो जाएगा, तो यहां पर हम इसको जोड़ दिए। अब देखिए यहां पर देखिए तीन अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो एक दो और तीन, तो एक दो और तीन दशमलव यहां पर लग रहा है, मतलब उत्तर कितना आ रहा है 165.00, ठीक है, कुल मिला के ₹165 ही आ रहा है। तो निश्चित रूप से आपने देख लिया कि बहुत आसानी से हम इस प्रकार एक एक नियम का प्रयोग भी कर सकते हैं और डायरेक्ट उत्तर भी निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।